मेरा परिचय है विकास शर्मा और यूट्यूब पे फार्मिंग हिंदी एनालिटिक्स चैनल चलता है मेरा और यहाँ जयपुर से हूँ। और कितने एक आदमी है जो मेरा चैनल देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मोटा जाऊंगा मैं, ज्यादा हाथ उठा मत देना। सबसे पहले मेरा क्या है कि जहर मुक्त खेती भारत अभियान है मेरा। मैं सक्षम परिवार से हूँ, जमीन जागरी सब कुछ है, परंतु मेरे पास और हनुमान जी के एक मंदिर भी है बहुत जबरदस्त। मैं सबको छोड़ के और मैं किसानों की सेवा में निकल गया। मेरे पिताजी नाराज हो गए कि तू तो ये किसानों को ट्रेनिंग देता है, खर्चा इतना करता है, कमाता जो खिंचा किसानों पे लगा देता है। पर मैंने ऐसे किसान देखे हैं मेरे किसान भाई, वो किसान अंत हो जाता है परंतु वो भूखा रहता है, भूखा रहता है। परंतु आज मेरे को ये विश्वास है, पहले मैं जब यूट्यूब पे आया था जब भारत के अंदर कोई भी जैविक खेती पे नहीं था, एक भी आदमी नहीं था, परंतु अब मेरे को ये विश्वास है कि जब मैं मरूंगा तो हजारों लाखों विकास शर्मा, तारा जी बैल जी, अकुल गुप्ता और आप जैसे लोग इस देश को आगे बढ़ाओगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं बात करना चाहूंगा कि आप चाहे प्राकृतिक खेती कह दो या जैविक खेती कह दो, आप वनस्पति खेती कह दो, शुद्ध खेती है वो कोई भी नाम दे दो, आप जैविक खेती, जहर की कंपनियां आप लोगों का शोषण कर रही है। और आज तक मैं कहीं किसी मंच पे कहीं पर भी नहीं गया आज तक, क्योंकि मेरे को मंच प्रदान होता ही नहीं है। एक मेरे छोटे भाई है तो इनकी सोच मेरी सोच थोड़ी एक है, इसीलिए मैं मंच पे आ गया। नहीं, मेरे पास पहुंचने के अंदर और श्री राम के पास पहुंचने के अंदर आदमी को शुद्ध ऑर्गेनिक माइंड के अंदर विचार होना चाहिए, वही पूछेगा, जहर वाला तो पूछ नहीं सकता मेरे पास। तो मैं आप लोगों को यह कहता हूं कि ये जहर मुक्त खेती भारत अभियान की एक कड़वी है, सच्ची और बता रहा हूं। आप दुकानदार के पास जाओ, उस दुकानदार को ये बोलो कि साहब मेरे को ये पेस्टिसाइड के ये दे दो दवाई, दुकानदार देगा, फायर की देगा, सिलेंडर की देगा। तो उस दुकानदार की जो भी दवाई दे उसको ये सच करो कि ये कितनी कितनी कंट्रीज के अंदर ये दो बैन है, मतलब अपने देश के बाहर आउट ऑफ कंट्रीज के अंदर दवाइयां बैन है, वो बैन दवाइयां इंडिया में धड़ाले से बिक रही है, ये देखो दादू। और गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। और ये भी कहना चाहूंगा 2050 के अंदर मेरे आकलन से हर 3 माँ की कोख से जो बच्चे जन्मेंगे वो 3 बच्चों से एक मंद बुद्धि रहेगा और हर परिवार में एक कैंसर रहेगा, ये मेरे को उसी मानी है। प्रकृति को मैंने समझा है, बहुत धैर्य से समझा है। आप लोगों को ये कहता हूं मैं, आप जी भी आप लोगों को कि जहर का मार्ग छोड़ दीजिए, आप सही कहीं भी ट्रेनिंग लीजिए, आप पैसे दे के ट्रेनिंग मिल जाए तो सही, ना पैसे दे के मिले तो ट्रेनिंग सही, आप आगे बढ़ो और जैविक खेती करो। वर्मी कंपोस्ट खाद के बिना कोई खेती नहीं होगी। मैंने एक और बात बताई, क्या अभी एक यहाँ पे आपके कोर्ट पंक्शन में अभी 2000 रुपये लगाए मैंने नींबू पे, तो उनको बोला मैंने कि भाई साहब एक काम करो, तरीका बताऊंगा शानदार, क्या अभी लंपी रोग आ रहा है, लंपी रोग आ रहा है, गाय माता मर रही है, आप एक काम करो खड्डा खोदो उस गाय को काटो, उसके ऊपर एक पेड़ लगा दो, पौधा लगा दो, 20 साल तक कोई खाद नहीं दो गई आप लोगों को। मैं बहुत खुश हूं कि इस जैसा जो बंदा है, इस जैसा बच्चा है आज देश के अंदर तरक्की कर रहा है, आप लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहा है। परंतु आज मैंने हर दवाई का 2 लाख रुपए रोज, मतलब महीने का मैं ठुकर मानता हूँ। इसलिए कल बात हो रही थी मेरी एक कंपनी मेरे को, सर मेरे प्रोडक्ट आपके चैनल पर प्रमोट कर दो, मैं फोन देख रहा था नहीं, कितने रुपए दोगे, 80,000 रुपए, 80,000 रुपए मैं ठुकर मारती हूँ, 2 लाख रुपए का मारता हूँ ठुकर ना, पैसे तो मैं भीख मांगते मरूंगा साधु मात्र, पैसे कोई माए बाप नहीं है। आप आगे बढ़ो, खाद फ्री कर लो, खाद कैसे भी, खाद और दवाइयां बनाना सीखो, मैं एक बात बोलता हूँ, खाद और दवाइयां ये आप सीख जाओगे तो आपकी खेती फ्री हो जाएगी। दूसरी बात, भविष्य की खेती पॉली हाउस की तरफ ध्यान दो, मैं एक्सपर्ट हूँ पॉली हाउस का, हजारों किसानों को ट्रेनिंग दी प्रैक्टिकल के अंदर, पॉली हाउस की खेती करो, सब्सिडी अब मिलती है पॉली हाउस के ऊपर, आप भरो, विपरीत मौसम के अंदर सब्जियों के भाव आपको मिलेंगे।
हाइड्रोपोनिक सिस्टम उसी कुआ मोती फार्मिंग उसपे चलो जयपुर के अंदर जोरी बाजार बाजार इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है मोती मोती का कोलकाता और जोरी बाजार आप मोती मोती फार्मिंग मछली फार्मिंग करने वाले मछली फार्म को बकरे फार्मिंग का बकरे फार्म को सोजत नस्ल के नस्ल के बकरे बकरिया यहाँ पे आपके कोर्ट बदली मध्य फार्म फार्म लगाए सही उसका वीडियो भी है सोजत नस्ल एक एक लाख रुपये बकरिया थी। तो फार्मिंग करने का तरीका भी आना चाहिए आप लोगों को। आप मेरे पास आओगे ना आप देखो आप खेमराम चौधरी का नाम सुना क्या आप लोगों ने? आपने सुना है वो मेरे बहुत काफी नजदीक मित्र है दो तीन पांच कंट्रीज घूम भी चुके हो। जब हम लोग बैठते हैं वो हम जो हम लोग बैठते हैं तो हजारों किसानों को हम ट्रेनिंग देते हैं युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं निःशुल्क कोई पैसा नहीं लेते हैं। पर आपको लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा मतलब ये खाद बनाना सीख लो। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 800 वीडियो के अंदर मैंने 400 दवाई बनाई कि किसानों को मैंने समझाया किस तरह से आप दवाई लो कोई दवाई खरीदने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और एक बात और बताऊं कि ये 400 दवाइयां को मेरे दवाई को देख के बहुत सी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। मौसम बहुत खराब हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं तो मैं इतने टाइम दूंगा कि आप जहर मुक्त खेती भारत अभियान से जुड़ो ताराचंद जी बैल जी से जुड़ो और आप घर के अंदर दवाइयां और खाद बनाना सीखो आगे बढ़ जाओगे। बाकी आप लोगों और ताराचंद जी बैल जी आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। थैंक यू।